अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। कल के वीडियो में 1815 1818 के आसपास का रेजिस्टेंस था। तकरीबन 1814 तक गोल्ड चला गया था, उसके बाद ज़बरदस्त क्रैश हुआ और तकरीबन 1794 के आसपास का लो बनाया। वापस से रिकवर हुआ गोल्ड 1806 की तरफ और वापस से अब नीचे आ रहा है और अभी ट्रेड कर रहा है 1800 डॉलर से भी ज़्यादा नीचे। गोल्ड में दो या तीन जगह से प्रेशर आ रहा है। एक बिटकॉइन 29,000 डॉलर के लोज बनाने के बाद अभी 32,000 डॉलर चल रही है। तकरीबन 10 से 12% की रिकवरी हो चुकी है 29,000 डॉलर के आसपास से। दूसरी बॉन्ड यील्ड जो है वो भी ऊपर चल रहे हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स नीचे है लेकिन बॉन्ड यील्ड बिटकॉइन और एक्विटी मार्केट में रिकवरी, इन तीनों की वजह से गोल्ड जो है अभी भी प्रेशर में है। आपने देखा होगा सिल्वर में प्रेशर कम था कल, इनफैक्ट सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया गोल्ड को बिकॉज ऑफ दीज रीजन ओनली। बॉन्ड यील्ड ऊपर है, एक्विटी मार्केट ऊपर है और ऑफ कोर्स बिटकॉइन भी ऊपर है। तो तीन एसेट क्लास के ऊपर होने की वजह से यह हमारा एसेट क्लास जो है वो नीचे है। अभी 1799 डॉलर चल रहा है। आज दो इवेंट है मेजर, आपको याद दिला दूं। एक है ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यूएस के। तो ध्यान रखिएगा, दोनों इवेंट शाम को हैं। कोई भी पोजीशन ले रहे हैं आप तो उसके अकॉर्डिंग ही लीजिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। गोल्ड का आज का रेजिस्टेंस है 1805 डॉलर का, 1805 से लेके 8 के बीच का। गोल्ड का सपोर्ट है आज का 1788 डॉलर का। गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल वीक ही है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। अब आते हैं सिल्वर पे। 25.30 डॉलर टेस्ट करने के बाद, दो या तीन बार हाई बनाने के बाद अभी सिल्वर का प्राइस चल रहा है 25.17 डॉलर के आसपास। सिल्वर में कल अच्छी तेजी थी गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि आपको याद हो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो जब इक्विटी मार्केट भाग रहा था और गोल्ड प्रेशर में था, सिल्वर हाईज बना रहा था। इसी वजह से हमेशा ध्यान रखा कीजिए, सिल्वर में जब आप ट्रेडिंग करें तो गोल्ड को ना गोल्ड को देखने के साथ साथ बाकी बाकी चीज उसके जो फैक्टर हैं वो भी देखें। सिल्वर का आज का सपोर्ट है 25 डॉलर का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 25.40 डॉलर का। ट्रेंड फिलहाल इसका पॉजिटिव है तो अवॉइड कीजिएगा सेल करना। गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड कॉन्ट्रेडिक्ट है तो उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा जब तक दोनों का ट्रेंड एक ही नहीं हो जाता तो ट्रेड करने से बचें, या तो सिल्वर वीक हो जाए या गोल्ड पॉजिटिव हो जाए। मार्केट चौपी है तो कोई भी आप पोजिशन ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा, और कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी कम करें। मार्केट बहुत ज़्यादा चौपी है तो कम क्वांटिटी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे, उसके बाद देखेंगे यूरो और MCX। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है इसके अंदर, $70.50 के हाई बनाए हैं और अभी चल रहा है 70 सेंट। $65 बस टच करने ही आया था और उसके 1.5-2 दिन बाद ही मार्केट ने $70 के हाईस बना दिए। आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट क्या है देखते हैं। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है $68.50 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का $71.30 का। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है तो अवॉइड कीजिएगा सेल करना। क्रूड ऑयल अब तभी वीक होगा जब $68.50 के नीचे ब्रेक करेगा, उसके नीचे ब्रेक करके आधा एक घंटा सस्टेन करता है तो वापस से वीक हो जाएगा और तकरीबन 67 यानी 67 और $66 तक जा सकता है। अदरवाइज 72 यानी $72 तक एक बार क्रूड ऑयल जा सकता है। अब आते हैं यूरो पे, उसके बाद आएंगे MCX के लेवल्स की तरफ। यह है यूरो का चार्ट। यूरो में भी आप देखोगे तो ज्यादा इस पॉइंट के बाद
यानी 5:30 बजे के बाद, कल शाम के 5:30 बजे के बाद मुश्किल से 20 या 30 पिप्स में काम हो रहा है। अभी भी 1800 से नीचे चल रही है यूरो। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, आइए देखते हैं। यूरो का रेजिस्टेंस है आज का 1810 का। यूरो का सपोर्ट है आज का 1750 का। यूरो का ट्रेंड है फिलहाल फ्लैट। 1750 के नीचे जाएगा तो वीक हो जाएगा, 1805 1810 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यूरो में संभाल के ट्रेड करें। अब आते हैं एमसीएक्स के लेवल्स की तरफ। एमसीएक्स का गोल्ड चल रहा है 47,480। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। एमसीएक्स गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 47,680। एमसीएक्स गोल्ड का सपोर्ट है आज का 47,330। ये जो लेवल दिए हैं मैंने 74 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दिए हैं। जब 5 बजे INR बंद हो जाएगा तो वापस से ये लेवल रिवाइज करूंगा मैं। कम्युनिटी पोस्ट में आपको YouTube की 5 बजे लेवल्स मिल जाएंगे, जब INR बंद हो जाएगा तब। लेवल्स देखने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबाइए, तभी आपको कम्युनिटी पोस्ट में देख पाएंगे। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 66,570। एमसीएक्स सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 67,710। अब आते हैं निफ्टी पे, जो चल रही है ऑलमोस्ट 15,800। यह है निफ्टी का चार्ट। एक गैप अप ओपनिंग हुई है, 15,790 चल रही है, 15,810 के आसपास का रेजिस्टेंस है इसका, तो मुझे लग रहा है क्रॉस हो ही जाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि क्रॉस हो चुका है, तो उसी हिसाब से आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देता हूँ। बाकी मार्केट भी पॉजिटिव होने ही वाली है, बट हम अज्यूम क्यों करें, इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस 15,810 है। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 15,640। ट्रेंड वीक है जब तक 810 ब्रेक नहीं होता है तब तक। जैसे ही 810 ब्रेक होगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगी, निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज वापस से रिवर्स मार सकती है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का बटन भी है लाइक और डिसलाइक के बराबर में। पेड सर्विस लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। शाम को भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ अपने इंग्लिश चैनल पे, जिसमें गोल्ड के क्रूड ऑयल के लेवल्स होते हैं। शाम के रिफ्रेश लेवल देखने के लिए मेरा इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, लाइव डेटा के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब मिलूंगा शाम के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।